नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी की आज पुण्यतिथि। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि। कहा, आपका त्याग में जीवन राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा। मैतेई समुदाय के 6 लोगों के शव मिलने के बाद मणिपुर में हालात नाजुक। पूरे राज्य में जबरदस्त तनाव। इलाके में कर्फ्यू जारी, इंटरनेट बंद। नाइजीरिया सरकार ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी को सम्मान स्वरूप अबुजा शहर की चाबी की भेंट। 17 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। और अब समाचार विस्तार से। आज ही के दिन 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। पंजाब केसरी के नाम से जाने वाले लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर आज सभी नेताओं ने उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि माँ भारती की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज और स्वदेशी के प्रबल पक्षधर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपका त्याग में जीवन हम सभी को पूर्ण निष्ठा के साथ राष्ट्रीय सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। बता दें कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने में लाला लाजपत राय की अहम भूमिका रही थी और वह अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उस दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया था। मणिपुर में हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। सैन्य बलों के अभियान में कुकी जो समुदाय के 10 विद्रोहियों के मारे जाने के बाद जिरीबाम में मैतेई समुदाय के 6 लोगों की लाशें मिलने से पूरे राज्य में जबरदस्त तनाव फैल गया है। बताया गया है कि आतंकियों की तरफ से मैतेई समुदाय की 3 महिलाओं और 3 बच्चों का एक कैंप से कथित तौर पर अपहरण करने के बाद इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी और मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के दामाद समेत कई विधायकों और नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद भड़की हिंसा के चलते फिलहाल इम्फाल घाटी क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू है और इंटरनेट भी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला किया था। गुस्साई भीड़ ने कई संपत्तियों में आग भी लगा दी थी। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे। पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण इम्फाल घाटी के इम्फाल पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर, थौबल और काकचिंग जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गयी। नाइजीरिया सरकार के मंत्री ने पीएम मोदी को सम्मान स्वरूप अंबुजा शहर की चाबी भेंट की। दरअसल यह चाबी नाइजीरिया के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दिखाए गए सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19 से 21 नवम्बर तक गुआना का दौरा करेंगे और यह 50 वर्षों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुआना यात्रा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यह पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया की पहली यात्रा है। वे नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। नाइजीरिया से वे ब्राजील जाएंगे। ब्राजील में वे ट्रोइका सदस्य के रूप में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभी रैलियां रद्द हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के नागपुर से अचानक दिल्ली के लिए रवाना होने की खबर लगते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल शाह आज महाराष्ट्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक से ये खबर सामने आई कि वे वापस दिल्ली लौट गए हैं। अमित शाह गढ़चिरौली, वर्धा, काटोल और सावेर में चुनावी जनसभा करने वाले थे। वहीं शाह की जगह स्मृति ईरानी इन जगह पर चुनावी जनसभा करने पहुंची हुई हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है। 288 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज शाह ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी सभी रैलियां रद्द हो गयी। महाराष्ट्र में इस बार की लड़ाई महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति है।
आज शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है। बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर आज महाराष्ट्र के पुणे में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रवाद के सशक्त स्वर अद्वितीय वक्ता शिवसेना के संस्थापक आदरणीय बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिश नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। बालासाहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ और 17 नवंबर 2012 को मुंबई में निधन हो गया। ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की और अपने करियर की शुरुआत की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिद्धो कानू रखा जाएगा। सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा नई सरकार सत्ता में आई तो इस संबंध में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिद्धो कानू पर पुरस्कार होगा। उन्होंने अबोर सरकार की पहली कैबिनेट का यह फैसला कहा है। उन्होंने पोस्ट में कहा कि झारखंड के वीर शहीद अमर रहे और जय झारखंड। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को बम से निशाना बनाया गया है। यह घटना उत्तरी इसराइल के कैसरिया शहर में हुई, जहां नेतन्याहू के घर के पास दो फ्लैश बम दागे गए। गनीमत रही कि बम घर के बाहर के बगीचे में गिर गए और घर का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यह हमला 19 अक्टूबर को हुए एक अन्य हमले के बाद हुआ है, जब हिजबुल्ला द्वारा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। उस हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने ली थी और इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आरोप लगाया था कि हिजबुल्ला ने उनके और उनकी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। 23 सितंबर के बाद से इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे यह क्षेत्र और भी तनावपूर्ण हो गया है। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ट्ज़ोग ने कहा कि इस घटना की पूरी जांच की जा रही है। श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते ही पंजाब के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। सियासी जानकार इसे सुखबीर का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शहर में बगावत के सुर उठने और सुधार लहर के नाम से अलग धड़ा बनते ही श्री अकाल तख्त साहिब के सख्त रवैये को देखते हुए सुखबीर बादल ने सबसे पहले अपने करीबी बलविंदर सिंह बुंदड़ को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तनखाइया करार होने के बाद पंथक सियासत में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में अपने भरोसेमंद हरजिंदर सिंह धामी का नाम आगे किया और उनके प्रधान बनते ही अपने दूसरे मंसूबे में सफलता हासिल की। अब इस्तीफे के जरिए सुखबीर बादल ने अपने मास्टर स्ट्रोक खोलते हुए पंथक सियासत और पंथ की एकजुटता के सहारे भंवर में फंसे अकाली दल को बाहर निकालने और अपनी खोई हुई सियासी जमीन दोबारा पाने के लिए अहम कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे के दिबनापुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर शरारती तत्वों ने लोहे का गार्डर और सीमेंट का खंभा रखकर ट्रेन गिराने की साजिश की। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाने से मालगाड़ी पलटने की साजिश फेल हो गई। लोहे का गार्डर सीमेंट का खंभा टकराने से मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंचे सेक्शन इंजीनियर ने अज्ञात लोगों पर थाना हाफिजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ट्रेन पलटाने की पूरी साजिश कर रखी थी, लेकिन हादसा होते होते बच गया। हाफिजगंज थाने में पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस व रेलवे अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि रेलवे इज्जत नगर मंडल में एक मालगाड़ी पीलीभीत से बरेली आ रही थी और तभी सेंथल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर शरारती तत्वों ने टूटी हुई सीमेंट की बेंच रख दी। लोको पायलट ने ट्रेन को पटरी पर रखी सीमेंटेड बेंच को देख लिया और उनकी सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है और वहीं रेलवे ट्रैक को साफ करने के लगभग 2 घंटे के बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया। उत्तराखंड में हिंदुओं के प्रसिद्ध धाम श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज बंद होने को हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा मंदिर को कई कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज रविवार रात 9:07 पर शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया बीते 13 नवंबर को पंच पूजाओं के साथ गणेश पूजा और गणेश मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही शुरू हो गई थी। गत 14 नवंबर को आदि केदाराश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद किए गए, जबकि 15 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद रचाओं का वाचन बंद हुआ और शनिवार को माँ लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया गया और रविवार रात को 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के अवसर पर
मंदिर को कई कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। मंदिर दिन भर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खुला रहेगा। कपाट बंद होने के अवसर पर आज बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। इस वर्ष अब तक 14,25,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।